चलो तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए जल्दी से बच्चे लोगों। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, तो अपन ने सिग्नम फंक्शन बनाया, ये सिग्नम फंक्शन होता है। अब ग्राफ देख लो इसका, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। बोलो ठीक है, जीरो पे जीरो होएगा, क्लियर, जीरो पे जीरो मिल जाएगा। और जीरो ग्रे जीरो ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो पे कितना आ रही है वैल्यू, वन आ रही है, आ रही है। और एक्स लेस देन जीरो पे कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस वन। ठीक है, ये देख लो बेटा, बबल देख लो अच्छे से कहाँ पे लगा बबल। ये देखो यहाँ पे मैंने बबल लगा रखा है, दिख रहा है? हाँ, क्योंकि जीरो पर ऑलरेडी वैल्यू जीरो मैंने इंक्लूड कर रखी है। बना लीजिए ग्राफ, ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, क्लियर, बना लिया ग्राफ, बनाइए बनाइए। ओके, चलिए दोस्तों दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की की तरफ तरफ मूव मूव करते करते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन फंक्शन अंडर रूट अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन। माइनस वन शायद इससे इजी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या होगा, होगा, बोल दो भाई क्या आंसर, ए बी सी डी? अरे दो ऑप्शन दिख रहे हैं ऑप्शन वन टू दिख रहे इनफिनिट वन में टू यार, इनफिनिट में यार, ए दिखेगा कि डी ए दिखेगा? दिखेगा ए, बिल्कुल ए सही, बिल्कुल सही, अंडर रूट एक्स अंडर रूट माइनस वन एक्स है माइनस तो वन है अंदर की तो चीज़ अंदर ग्रेटर की देन चीज़ जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्लियर? फिर वन को वहाँ भेजेंगे तो प्लस में हो गया, तो हाँ, एक्स ग्रेटर देन एक्स वन, ग्रेटर देन वन, डन, बताने की जरूरत तो बताने नहीं की है। जरूरत तो नहीं है, नहीं 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 ठीक है, चलिए तो फोर्थ का फोर्थ का आंसर आंसर तसल्ली के लिए देख तसल्ली के लेते लिए हैं, देख लेते ए हैं, होना ए चाहिए। होना चाहिए, क्या बात है, क्या बिल्कुल बात है, सही। बिल्कुल सही। फिफ्थ वाला करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, फिफ्थ वाला सर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दो बस, फिफ्थ वाला ले लीजिए फिफ्थ वाला टाइम। ले लीजिए टाइम। इफ एक्ट टेन एक्स इक्वल टू इफ फाइव एक्ट टेन एक्स अपॉन फाइव अपॉन ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स लाइज इन द एक्स लाइज थर्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, देन देन द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स विल एक्स बी। विल बी, समझ में आया? इफ टेन एक्स इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व, इतना सरल क्वेश्चन, टेन एक्स इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व, और किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ले भाई देख, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बेटा देख यहाँ स्क्रीन पे, क्वाड्रेंट बना लो, क्वाड्रेंट बना लिया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी दी रखी है, फाइव बाई ट्वेल्व। अब और कॉस एक्स पूछ रहा है आपसे, तो टेन एक्स इक्वल टू
फाइव बाई ट्वेल्व, ठीक है। तो टेन एक्स इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व यानी कि कुछ ऐसा समझ लो इस एक्स के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये फाइव होगा और बेस होगा ट्वेल्व। तो ये बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट थर्टीन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, थर्टीन आ जाएगा। क्लियर? अब चलिए देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने में दिक्कत है क्या तुम्हें? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस नहीं होता है, ये क्या बात पूछ रहे हो? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन सिक्सटी नाइन, एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन, क्लियर। और 169 का रूट 30 निकालो, हाँ 169 का रूट 13 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको पूछा गया है कॉस एक्स क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि कॉस का एंगल क्या होगा, कॉस का एंगल आपको बताना है। तो कॉस एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोल बेटा ध्यान से देख, बेस जो है एक्चुअली माइनस 12 होगा बेस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, होता कि नहीं होता? तो ऐसे तुम करना चाहो तो इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस 12 बाई 13 कर लो और एक माइनस लगा दो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बेटा उससे कर सकते हो, मगर क्यों इतनी मेहनत करना चाहते हो? चलो ठीक है, उससे कर देते हैं। नहीं नहीं अंडर रूट में आंसर क्यों आएगा? अभी ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो उससे कर देता हूँ मैं, ये वाला मेथड क्लियर है ना तुम्हें? ठीक है, उससे भी कर देता हूँ। चलो देखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यू कैन से सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है टेन एक्स की कितनी दे रखी है हम लोग को, ट्वेल्व पॉइंट फाइव, क्यों श्योर यही दी ना? ना ये नहीं दिए, फाइव बाई ट्वेल्व दिए, फाइव बाई ट्वेल्व दे रखी है। हाँ तो बेटा फाइव बाई ट्वेल्व है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस फाइव बाई ट्वेल्व का स्क्वायर, तो वन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर, ठीक है। अब हो गया, सॉल्व कर लो, 144 प्लस 25 अपॉन, वन फोर्टी फोर, वन फोर्टी फोर प्लस 25 अपॉन 144, 169 अपॉन 144, तो sec x होगा तो बेटा अंडर रूट चला जाएगा, बोले यस। तो sec x इक्वल टू 13 अपॉन 12, 12 प्लस माइनस। अब हमको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है,
तो क्वाड्रेंट यहाँ पे थर्ड दे रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होते हैं ना। तो सेक एक्स यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू -13/12, और कॉस क्या हो जाएगा इसका उल्टा, -12/13। डन। तो बेटा जो ऐसे भी कर सकते हो और अपना ट्रायंगल वाला मेथड भी, जिंदाबाद। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिफ्थ हो चुका है। फिफ्थ का आंसर है क्या है बोलो, ए बी सी डी। सी, फिफ्थ का आंसर सी, बिल्कुल सही, फिफ्थ का आंसर सी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। इन द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ एक्सटेंड 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 5:4। ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 5:4 बनता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, 0, क्योंकि साइन 360 + 360 उसी एंगल पे आपको घूम के आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्लियर, एग्जैक्टली 7 का आंसर 0। एट्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस 3x/2cos2x-1 निकालो। अच्छा देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो पूरा सॉल्व कर दो या वो भी कर सकते हो, वैल्यू पुट कर करके, थीटा की कोई वैल्यू पुट करके निगेटिव अप्रोच मार दो, समझे? मतलब शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें पहले रियल मेथड से करके बताता हूँ, है ना? तो वैल्यू क्या है, cos 3x/2cos2x-1। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है cos 3x/2cos2x-1। श्योर कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? देख के मत बोलना, याद है तभी बोलना, नहीं है याद? थ्री का नहीं है याद? देखो श्योर, कॉपी में लिख लो, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin³θ। साइन का बता रहा ना मैंने अभी, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin θ -4 sin³θ, ठीक है ना? साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin θ -4 sin³θ। अब ऐसे ही कॉस का बनता है, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लो, उल्टा हो जाता बेटा, 4 cos³θ -3 cos θ, 4 cos³θ -3 cos θ, ठीक है, चलेगा? लिख लिया फिर से, 4 cos³θ -3 cos θ, क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके चलो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो,
और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ कॉस थ्री एक्स की, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स अपॉन टू कॉस टू एक्स। श्योर यहाँ पे टू कॉस टू एक्स लिखा है, ठीक है। अब मैं टू कॉस टू एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, देखो कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या होती है श्योर, कॉस के टर्म में बताओ, याद है। क्या बोल गया यार, कुछ भी बोलता है यार, गलत बोल रहा है। मैं कॉस के टर्म में बोल रहा हूँ, उसके बाद भी तू साइन के टर्म में बोल रहा है। हाँ कॉस टू एक्स कॉस के टर्म में क्या होता है, अब भी बोला है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, और एक माइनस पहले से ही है, ये वाला दिखा कि नहीं दिखा। अब देख इसको सॉल्व कर ले तो, और सॉल्व करने के पहले एक काम करो, यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो कॉस एक्स कॉमन लोगे तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बचेगा, बोलो। हाँ और नीचे इसको ओपन कर दो तो क्या बनेगा श्योर, बोलो, टू टू जा माइनस टू और माइनस वन, ठीक है। कॉस एक्स फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बचेगा, ये ऊपर नीचे क्या होगा, क्या फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, तो कितना आंसर कितना आ गया, हाँ बिल्कुल सही कॉस एक्स, तो आंसर क्या आएगा, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर अपन अपना क्या आ चुका है, कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर माइनस नाइन नाइन नाइन, बहुत इजी सवाल, आयोटा टू द पावर माइनस नाइन नाइन नाइन, आयोटा की पावर माइनस नाइन नाइन नाइन, कैसे लिख सकते हैं इसको दोस्तों हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं वन अपन आयोटा की पावर नाइन नाइन नाइन, बोलिए यस और नो। इस क्वेश्चन की एक तो फोर पावर वाला तरीका है कि फोर फोर से डायरेक्ट नाइन 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 से डिवाइड कर दो, है ना, और एक और तरीका है सीधे पोंगी बजा दो, आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे, तो आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और नाइन 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 इंटू आयोटा कर दिया, तो ऊपर हो गया आयोटा और नीचे हो गया आयोटा की पावर 1000, बोलिए यस कि नो। हाँ वो ठीक है, आयोटा और नीचे आयोटा की पावर 1000 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 250, क्लियर। तो ये आयोटा की पावर 1 की पावर 250, यानी कि आंसर आ गया आयोटा, क्लियर।
अगर बेसिक मेथड की बात करूँ शोरस के, तो बेसिक मेथड क्या होता है बेटा कि 999 में 4 का डिवाइड करो, जो आई ऑफ पावर 999 है, तो जो भी इसकी पावर होती है इसमें 4 का डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 8। अच्छा आप स्क्वायर कर लेते हो ना, हाँ ठीक है वो भी सही है, वो भी सही है। मैं बट ये एक मेथड आपको बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे उससे, 1 9 4 4 जा 16 3 9 4 8 जा 32 4 9 जा 36 36, तो कितना गया यहाँ पे 3 आ गया। ओके तो मतलब आपके पास फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर में जाएगा, तो आंसर आयोटा की पावर 3। क्लियर? तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 आ गया, तो आयोटा की पावर -999 इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 999 हो गया था, दैट वी कैन राइट आयोटा टू द पावर 3। अब बेटा आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 को आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 1, तो कितना आ गया आंसर प्लस आयोटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ वो भी है ना एक तरीका है कि आयोटा की पावर 3 को आप लिख सकते हो ऐसे, देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 का मतलब होगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ठीक है बेटा, -1 इनटू आयोटा। अब आयोटा का एक मल्टीप्लाई ऊपर और -1 इनटू आयोटा का एक मल्टीप्लाई नीचे, तो आयोटा अपॉन -1 इनटू -1, तो आयोटा अपॉन +1 आयोटा आ गया। समझ में आया? ये मेथड भी है और बाकी आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है। क्लियर? आप इवन नंबर लेके कर देते हो ना आधा आधा करके, है ना, हाँ वो भी ठीक है। क्लियर? ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। एक मिनट, इसके तो आंसर को मैंने बात ही नहीं करी, आयोटा वाले का आंसर आयोटा गया। हाँ चलो 10th क्वेश्चन बताइए, 10th क्वेश्चन का आंसर। वो भी लग सकता है, आइडेंटिटी भी लग सकती है। क्या आ गया आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लिया, अब तो आपसे बन जाएगा ना, पहली बार में आपसे नहीं बना था, हाँ मतलब अब तो बन जाएगा एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे पहली बार में बन गया, 1 out of 1. क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बना ना आपसे, मतलब दोनों लग सकती हैं, लग भी सकती हैं, नहीं भी लग सकती हैं, दोनों तरीके कर सकते हैं. चलिए तो इसका ऑप्शन आपने ए कहा है, 10th का ए. ओके, बिल्कुल गलत है आंसर आपका, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन. चलिए देखते हैं, आपने 1/13 को 1/√13 बोल दिया, तो आपको मिलते हैं 0 out of 1. चलिए देखते हैं, z = 1/2 + 3i का होल स्क्वायर, और आपको निकालना है मॉड z. ठीक है, तो z = फॉर्मूला लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. z = 1/2 + 3i का होल स्क्वायर. ओके, चलिए अब देखिए रूल जो होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, रूल क्या होता है एक्चुअली, ऊपर जो 1 है वो भी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट होगा. यू कैन राइट इट 1 + 0i, यस ऑर नो, एंड 2 + 3i होल स्क्वायर, राइट. एंड क्वेश्चन आस्क अबाउट व्हाट इज मॉड जेड. लेट अस टेक मॉड जेड, सो 1 + 0i/2 + 3i होल स्क्वायर का ओटा मॉड हो जाएगा. क्लियर. नाउ मॉड जेड = mod a mod b 1 + 0i/2 का मॉड होल डिवाइडेड बाई 2 + 3i के स्क्वायर का मॉड. क्लियर. क्लियर है बेटा. देखो अब 1 + 0i ये तो जानते हो √a² + b² 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, या कहने की बात ही नहीं है, 1 का मॉड 1 ही होगा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट. नाउ अब एक रूल होता है बेटा, देखो mod z^n = mod z^n, ठीक है, तो 2 + 3i के मॉड का होल स्क्वायर, मतलब पावर मॉड के बाहर चली जाती है, सिंपल. क्लियर है. अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा सॉल्व करिए बेटा. √4² + √9² हो जाएगा ना, 3² √4² + √3² क्लियर. देखिए तो 2 होगा भाई, +3² क्लियर. श्योर. क्वेश्चन 2 + 3i ही था. हाँ ठीक है. नाउ और श्योर, ये देखो ये मॉड खुला है और इसका होल स्क्वायर लगा है, राइट. सो 1/√4 + 9 का होल स्क्वायर, सो 1/√13 का होल स्क्वायर = 1/13. डन बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नोट कर लो. सो आंसर 1/13 आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव गॉट 0 out of 1. श्योर इट इज क्लियर.
चले आगे शोर देखो बेटा ये जो मॉड के अंदर 2 प्लस 3 आई का होल स्क्वायर था जिसको हमने ऐसे भी लिखा बेटा 2 प्लस 3 आई के मॉड का होल स्क्वायर क्लियर। हाँ तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई शोर यहाँ पे नहीं पता मॉड जेड की पावर एन इक्वल टू मॉड जेड की होल पावर एन समझे। और यदि आप इसको चाहो तो होल स्क्वायर को ओपन करके भी निकालो थोड़ा वक्त लगेगा। ए स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 3 6 6 2 12y प्लस बेटा बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 9 आएगा बेटा माइनस 9 आएगा 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर राइट माइनस 9 समझे। हाँ तो अब यदि 4 से माइनस 9 को आप माइनस कर दो बिकॉज 4 माइनस 9 है कितना आ जाएगा बेटा माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए मॉडुलस लिखा लीजिए तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सो ए की जगह माइनस 5 बैठा है कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 आंसर रोड 169 इक्वल टू 13 क्लियर बन जाएगा। तो आई बिलीव सोर कि अपन को ये वाला ज़्यादा मेथड अच्छा है मॉड जेड टू दी पावर एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड की पावर एन है ना इसको नोट कर लो। तो यदि बड़ी पावर का मॉडुलस निकालने को आए तो ये यूज किया करो क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करिए बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं आपने बोला नहीं बनेगा अच्छा मजाक किया पिछला भी बहुत इजी था आपसे बनना था आई डोंट नो कैसे गलत हो गया। पिछला क्वेश्चन भी बहुत इजी था ये सुनो ये जो मॉडुलस जेड वाला है ना मॉड ऑफ जेड वाला इजी था कि नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर का युवराज जल्दी करो एक पेपर हो गया कितना देर लगाओगे जल्दी खत्म करो यार। हाँ होता ना चेंज होता है खुद से एक एग्जांपल लेके देख सकते हो बोलो। हाँ भाई माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड में करोगे चेंज हो जाएगा
क्यों रिस्क ले लिया तुमने 3x को लेफ्ट में बुला के, x को राइट में ले जाते ना। चलो आंसर बोलो, ए बी सी डी, सी आंसर। चलिए देखते हैं, 11 का सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वन मार्क्स, वन आउट ऑफ वन। चलिए देखिए, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस वन, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस वन। देखो कैसे करेंगे बेटा, ये ग्रेटर रहने दो यहाँ, इस माइनस एक्स को यहाँ भेज दो तो 3x प्लस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, और 5 माइनस वन, माइनस वन को लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। नाउ 4 है यहाँ पे, 4 है, दोनों तरफ 4 कड़े बैठ कर दो, 4 पॉजिटिव नंबर है, बोलो यस और नो। तो 4 पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से पॉजिटिव नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी के साइन वैसे ही रहेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इन्फिनिटी। डन बेटा, बिल्कुल सही है आंसर, क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इन्फिनिटी। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 करिए, सो सिंपल, 30x लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ x, बताइए x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। नेचुरल, वाह क्या लॉजिक है, अरे सही बोल रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, इतनी बुराई कर चुका हूँ कि लोग तारीफ पे ही विश्वास नहीं करते, सही बात है। बी 1 2 3 4 5 6, जल्दी में गलती ना हो जाए, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन बहुत ही घटिया दिए, मैं होता तो थोड़े अच्छे ऑप्शन देता। बी चेक करते हैं, 12th का बी सही जवाब, हाँ इंटू का, इंटू क्या करना है यार, 30x लेस देन 200 ले, ये भी बताऊँ तेरे को, 30x लेस देन 200 देख यहाँ, तो x लेस देन और इक्वल टू 200 अपॉन 30, 30 पॉजिटिव है, नो साइन चेंज, 0 0 कैंसिल, ये हटा ले, x लेस देन 20/3, बोल हाँ, x लेस देन 20 में 3 कड़े बैठ कर 6.6/18 और 0 बच जाएगा, तो 18 2 20 यानी कि 3 6/18, हाँ 6.6 से कम, सो x लेस देन 6.6 और x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6, सो जा रे सो जा मेरा चंदा सो जा, चलो नोट करो, आ गया आंसर। मॉड से हटाने के लिए, अबे इस क्वेश्चन में कहाँ आ गया, अच्छा 13 वाला, अच्छा ये 13, x माइनस वन ग्रेटर देन 5, तो ये दो चीज़ें हैं भाई साहब इसमें, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टली रट्टा वाला सिस्टम या
मेहनत करो। पंद्रह नहीं बोला मैं, 20 बोला हूँ। हाँ यार, एमसीक्यू में जोड़ेगा अपने में यार, खाते में एमसीक्यू जोड़ेगा। एमसीक्यू कोई नहीं जोड़ता। तेरे को नींद आ रही क्या? थोड़े दो चार बड़े क्वेश्चन कर लूँगा फिर छोड़ दूँगा तेरे को। हाँ एक दो चार तो कराऊँगा, एशर्सन रीज़न भी है, मैं इसके बाद के कराऊँगा थोड़े से, दो चार ज़्यादा नहीं। चल बता जल्दी भाई, क्वेश्चन नंबर 13। हेलो 13 बता भाई। नहीं बन रहा मतलब तेरे को नहीं बन रहा है? चल रुक जा। हाँ मॉडुलस में नहीं, नहीं नहीं, अगर अकेला मॉड एक्स हो तो स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर इनइक्वालिटी लगी है, अगर इक्वल होता तो स्क्वायर कर सकते थे, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इनइक्वालिटी है। क्या बोला? हेलो है क्या? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जाएगा। चलिए आज की ताज़ा खबर, क्वेश्चन नंबर 13 पे शौर को मिलते हैं 0 एक मार्क्स में। तुक्का, अच्छा तुक्का भी तो है लाइफ लाइन, तो सी। चौका लगा दिया है गेंद सीमा रेखा के बाद। अबे सी है, सही है बे, सही आ गया तेरा, सी तुक्का मार दिया तूने। चल देख मेथड देख। इसमें तेरा दिमाग बहुत चलता है। हाँ दिख तो रहा है, सही है। चल देख सॉल्यूशन देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 5, ठीक है बेटा? देख बेटा अच्छे से समझा रहा हूँ, बड़ी मेथड से, इसलिए कि एक बार में बनने लगे। दो मेथड होती हैं, एक है रटने वाली और एक है कंसेप्ट वाली, ठीक है? अब रटने वाली देख ले, पहले रट्टा बताऊँ कि पहले कंसेप्ट बताऊँ? दोनों तो बताऊँगा, पहले किसको बताऊँ? पहले कंसेप्ट बताऊँ। देख तू जानता है मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स किस पे टूटता है? दो वैल्यूज पे, बता। एक्स कब टूटता है? वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, बोल। हाँ और माइनस एक्स के कब टूटता है? वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, बोल। हाँ पक्की बात। हाँ और एक्स इक्वल टू 0 पे कब टूटता है? वेन एक्स इक्वल टू 0, 0 पे, 0 पे 0 टूटता है, सॉरी। ठीक है आप कुछ नहीं यार, देख मॉड एक्स की जगह में एक्स माइनस वन बैठा है, तो मैं यही काम मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के लिए करूँगा। तो बिल्कुल मान ले कि एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन बैठा है और कुछ नहीं सोचना तेरे को, तो बता मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा एक्स माइनस वन कब? जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, बोल। हाँ है ना, बहुत बढ़िया। और माइनस एक्स माइनस वन वेन एवर एक्स माइनस वन लेस देन 0, बोल। हाँ है ना, पक्का ना? अब इसको आराम आराम से सॉल्व कर। एक्स माइनस वन, अगर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 है तो वन इधर डाल दे, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है?
और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वन को खोल दूँ मैं तो माइनस एक्स प्लस वन, और वन इधर भेज देगा तो एक्स लेस देन वन। बोल ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक बीच में भी था जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि बीच का अंदर की चीज़ इक्वल टू जीरो होने पे जीरो होता है। हाँ, है ना। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू वन पे जीरो आएगा। ठीक है, ये एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई मोड की। बोलो बराबर, ठीक है एकदम। हाँ, अब देख बेटा, ये मेरे पास मोड एक्स माइनस वन की वैल्यू आ चुकी है। अब तुम्हारे पास इनइक्वालिटी दी है एक्स माइनस वन का मोड ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, श्योर? सुन रहा मेरी बात? ध्यान है, आंखें खुली कि नींद आ रही है? हाँ, अच्छे से सुनना। देख, x माइनस वन की वैल्यू पाँच से बड़ी है। अब x, अब देख इनइक्वालिटी लगा फर्स्ट, अगर x ग्रेटर देन वन है, श्योर, तो बता कि x ग्रेटर देन वन होने पर ये मॉड x माइनस वन कहाँ पे खुलेगा? भूला। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है ठीक है, एक्स माइनस वन पे खुलेगा, मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, बोला एक्स माइनस वन ग्रेटर देन फाइव हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब रुक जाओ। अब देखिए, ये ग्रेटर हो गया, अब लेस देन पे डाल। अगर एक्स लेस देन वन डालेगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन किस पे टूटेगा बता? अब माइनस एक्स प्लस वन जो है ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, हाँ, माइनस साइन का पूरे में गुणा कर दे, तो माइनस साइन का गुणा कर दिया तो ये हो गया प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, और चोंच पलट गई, ये हो गया माइनस फाइव। बताओ, तो x माइनस वन ये हो गया, तो x लेस देन माइनस फाइव प्लस वन यानी x की वैल्यू माइनस फोर। ठीक है, हाँ, अब देख भाई, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी तो थी नहीं, अगर इक्वालिटी होती तो मैं यहाँ भी इक्वालिटी लगाता और यहाँ भी इक्वालिटी लगाता, बता है ना, मगर है ही नहीं क्वालिटी, तो सपने होते हैं, लगा नहीं सकता हूँ मैं। ये बात बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि अगर इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए तो तू इक्वालिटी भी लगा ले। बराबर बोला? अब देख बेटा, पे एक वैल्यू है छः से बड़ी, बबल गम बबल गम, छः लगा दिया, छः पे बबल लग गई, चार पे भी बबल लगेगी क्योंकि नॉट इंक्लूडिंग, माइनस फोर पे, सॉरी। अब देख, माइनस फोर से छोटा यो जावेगो कि नहीं जावोगे हो? ये माइनस फोर से छोटा इधर जाएगा माइनस, और सिक्स से इधर, सिक्स से इधर बड़ा इधर जाएगा। समझ में आया? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर, छोटे से बड़ा और इधर सिक्स टू इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर यूनियन सिक्स टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? चलो लिखो आराम से, पहले बनाओ, पहले मॉड एक्स बनाओ। चौदह नंबर में तेरे पूरे मार्क्स आ गए एक में से एक। युवराज को हो गया तेरा? ला पेपर ला, इसके पूरे चेक हो गए ना? चल ला, ठीक है ये भी।
बैठना। हाँ क्या हुआ बेटा? इसको वहाँ डाले, उधर उधर वाले में, मेन 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 क्लास में सबसे नीचे, यहाँ नहीं उधर, अरे बड़ी क्लास में सबसे नीचे नहीं रख दिया मैंने इकट्ठा करके, वहाँ पे डाल दे। हाँ लिख लिया शोर? हाँ अब x माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब देख x माइनस वन ग्रेटर देन फाइव है तो दो पार्ट में टूटेगा, वन से बड़ा और वन से छोटा। बैठना। 2013 सेट ए चेक करना होगी, गुस्से निकाल लेना इसको, चेक कर ले इसे। लिख लिया? देख शोर एक बात बताऊं शोर, बहुत गंभीर बात। जैसे मान ले, जैसे अपन मॉड तोड़ते ना, तो x ग्रेटर देन वन मतलब ये केस क्या चल रहा है कि x वन से वन, वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब वन से बड़ा होना चाहिए और सॉल्व करने पर आ रहा है छः से बड़ा, तो ऑब्वियसली जो वन से बड़ा होगा वो छः से बड़ा हो सकता है, बोलो हाँ है ना? हाँ तो ये मतलब कंसिस्टेंट है ये कंडीशन, मतलब सपोर्ट कर रही है। अब मैं जब तेरे को बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो मालूम क्या सीन रहेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स ग्रेटर देन वन पे कंडीशन बनाएंगे और सॉल्व होते होते आ जाएगा एक्स लेस देन माइनस सिक्स। बता कभी ये केस पॉसिबल है क्या? ये दोनों कंसिस्टेंट है कि नहीं है? मतलब हमने कहा कि बच्चे के एक नंबर से ज़्यादा आने चाहिए और आ रहे हैं माइनस छः से कम, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? हाँ तो बेटा इस केस में आ जाता नो सोल्यूशन, समझ में आया कि नहीं है? हाँ मतलब हर बार इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकले कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ